और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अंबिका से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव तकरीबन 617 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज 2888 वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर काउंटिंग लगातार जारी है, 90 सीटों पर काउंटिंग की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत करीबन 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रायपुर में पहले राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, दूसरी राउंड की गिनती लगातार जारी है, शुरुआत है। और बता दें कि 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। ये बड़ा मार्जिन तो नहीं है, लेकिन रायपुर पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मूर्त आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर से बीजेपी पुरंदर मिश्रा आगे जाते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये बड़ा मार्जिन नहीं है, शुरुआती रुझान है। और दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़त बनाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए साझा विधानसभा की, तो साझा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे आगे चल रहे हैं। और दुर्ग ग्रामीण से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, पाटन से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। और बता दें कि उनके भतीजे ने उनको पीछे कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त, मुंगेली से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साहब पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब वो मुंगेली से पीछे चल रहे हैं। राजनाथ गांव से रमन सिंह आगे चल रहे हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव से आगे हैं। और छत्तीसगढ़ मंत्री कबासी लखमा आगे चल रहे हैं और कद्दावर आदिवासी नेता माने जाते हैं। और खरसिया से उमेश पटेल 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पोसतकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, पहले राउंड की गिनती लगातार खत्म हो चुकी है, दूसरे राउंड की गिनती चालू हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से हम आंकड़े देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडिंग बनाए हुए है। 45 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 45 सीटों पर बीजेपी है, यानी कि टाई हो गई है, दोनों बराबर बराबर है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? जो नतीजे जो रुझान सामने दिख रहे हैं उसको नतीजे तो नहीं कहा जा सकता जी, बिल्कुल सर, क्योंकि धीरे धीरे नतीजे में बदलने लगे हैं और एक आध घंटे बाद सारी जो है तस्वीर साफ होगी। लेकिन जैसे पहले से ही तमाम जितने जो चैनल है उनके जो सर्वे थे, जो एग्जिट पोल थे, वो जिस तरह से बता रहे थे कि एक तरफा यहाँ पे सरकार का वापसी हो सकती है, तो वैसा तो दिखता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल भी आगे पीछे हो रहे हैं और उनके 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष खुद पीछे चल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी पीछे चल रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है करके कि जो कांग्रेस के पास जो एज था, पर विधानसभा सदस्य उनके थे और ऐसा लग रहा था करके कि कांग्रेस ने को इस बार वॉकओवर मिल रहा है, भूपेश बघेल की सरकार बहुत आसानी से लौट रही है, तो वैसी स्थिति दिख नहीं रही है। जो रुझान जो बता रहे हैं, रुझान जो जिस तरीके से जो पल पल बदल रहे हैं, कभी बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच जाती है, कभी कांग्रेस बहुमत के करीब होती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर है और जनता ने बहुत सोच समझ कर इस बार जो है अपने मत का जो है प्रयोग किया है। और जनता का मत जो है वो जनता का ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने छांट छांट कर जो उनको पसंद थे वही चेहरे जिताए हैं, ये जिता रहे हैं, और जो उनको पसंद नहीं था उनको किनारे कर दिया है। जी मनीष जी, बिल्कुल सर, जैसा कि नारा दिया गया छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन इस बार मूड जनता का कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। आपने बहुत सही कहा कि मतदाताओं ने इस बार बहुत सोच समझकर इस बार वोटिंग की है, मुद्दों पर वोटिंग की है और अपने विकास को लेकर वोटिंग की है। लेकिन हम जब देखें रुझानों में, तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को 53 सीटें से 55 सीटें मिलती दिखाई दी, बीजेपी पिछड़ गई, लेकिन अब हम जब ईवीएम का जब पिटारा खुला तो हम देख रहे हैं कि दोनों की टाई हो गई है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन ये स्पष्ट बहुमत नहीं है, स्पष्ट नतीजे नहीं है, ये शुरुआती रुझान है, देखना होगा। लेकिन जनता ने किस ओर किस मूड में और किस किन किन मुद्दों पर वोट दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है वहां पर सर। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, जनता ने बहुत सोच समझ कर मत दिया। देखिए, और अभी अब जो एक स्थिरता दिख रही है रुझानों में, ऊपर नीचे होना जो है, एक दो तीन चार चार पांच, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो यहाँ पर जो है बीजेपी जो है वो बहुत फायदे में नजर आ रही है। जो 13 सीट से अगर 44-47 सीट तक पहुंच रही है तो ये मान के चलिए उसके जो है सीधे सीधे जो है 20-25 सीट का जो है फायदा होता दिख रहा है। और कांग्रेस जो 75 पार का नारा लगा रही थी वो 50 तक भी नहीं पहुंच रही है,
73 सीट पिछले बार थी, तो सीरियस अगर मान के चलिए आप उनको 23-24-25 सीट का जो है नुकसान हो रहा है। तो इस चुनाव में अंतिम परिणाम कुछ भी आए, एक बात तो तय हो गई है कि सिर्फ घोषणाओं से, सिर्फ वादों से और सिर्फ हंस के बोलने से, मीठा मीठा बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है और सोच समझ कर वोट देता है। यहाँ पर आपके पास एक तरफा ऐसा दिख नहीं रहा, भेड़ चाल नहीं दिख रही। पिछली बार जरूर जो है कर्ज माफी थी, जो सुनामी थी जो किसान का, इस बार भी कर्ज माफी है, इस बार भी किसान के धान के कीमतों को लेकर कंपटीशन चला। कोई 3,000 बोला, कोई 3100 बोला, कोई 3200 बोला, महिलाओं के लिए 12,000 बोल रहे, 15,000 बोल रहे। तो दावों के ऊपर दावों की जो है वो उसकी परवाह जनता ने नहीं की है। जनता ने अपनी पसंद को देखा है, जनता ने काम करने वाले आदमी को देखा है और उसके बाद जो है उसने अपना वोट दिया है। तो इस अभी जो अभी के हम परिणामों की बात करें, अभी जो रुझान है उनकी बात करें, अंतिम परिणामों की बात ना भी करें, तो भी बीजेपी फायदे में दिख रही है और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और अगर आप 73-45 पर आते हो, 73-50 पर भी आते हो, तो भी तो नुकसान तो है आपका। जी बिल्कुल सर, गौर करें अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, तो नतीजों में और इस बार की अगर कंपैरिजन करें अब तक के रुझानों में, तो कांग्रेस को तकरीबन 28 जो सीटें हैं उसका नुकसान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जबकि बीजेपी 33 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लुभाया, यहाँ पर बताया, जन जन तक पहुँचाया और जो अभियान चले वो शायद असर कर गए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो योजना रही है राज्य सरकार की वो कहीं ना कहीं लोगों तक समझाने में पहुँचाने में नाकामयाब रहे, तो इसका भी असर थोड़ा देखा जा रहा है। नहीं मनीष, देखिए आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के लिए जो अब मतलब समझ लीजिए नरेंद्र मोदी है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी है, वो इंदिरा इंडिया वैसे मोदी इस बीजेपी वाली बात अब स्थापित हो चुकी है। और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं आप राज्य सरकार की योजनाओं की असफलता की, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की योजनाएं ठीक थी, कांग्रेस चुनाव के 2 महीने पहले तक एकदम जीतने की स्थिति में थी, उनको एज था, लेकिन वो कहीं नहीं समझा नहीं पाए। कहा जाता है और जैसा परसेप्शन है कि कांग्रेस का दुश्मन सिर्फ कांग्रेस हो सकता है और कांग्रेस को किसी और बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर नुकसान में आ रही है तो उसके पीछे आपसे खींचतान थी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो खींचतान चली 2.5 साल, फिर उसके बाद अभी चुनाव के मतदान के बाद फिर चालू हो गए कि मैं बनूंगा, मतलब मस्ती बसी नहीं और पहले आ गए। लेकिन जो नुकसान हुआ है कांग्रेस का उसके पीछे कहीं ना कहीं जो टिकट काटी गई, टिकट वितरण बहुत बड़ा कारण है। 22 विधायकों की आपने टिकट काटी थी जी। तो अब देखना ये होगा अंतिम परिणामों में कि उस 22 सीट जो 22 जो सीटें जो टिकट काटी गई थी उन 22 सीटों पर कांग्रेस को कितना लाभ मिला। फिर दूसरी बात, भाजपा के कांग्रेस के अगर 6-6 मंत्री पीछे और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, जो बार बार कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं वो भी पीछे चल रहे हैं जी बिल्कुल। तो आप बताइए कि आपके मंत्री ही पीछे चल रहे हैं, 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं 12 में से, तो फिर आप जो जो जीतने की अगर बात कर रहे हैं तो कैसे संभव है। 8 मंत्री पीछे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पीछे हैं, बड़े जितने चेहरे सब पीछे हैं, तो इसका मतलब ये है जनता ने नए नए चेहरों को, नए नवेले चेहरों को चुना है और टिकट वितरण जो है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है। इसका खामियाजा जो है कांग्रेस भुगतती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सर, एक फैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीएम फेस को लेकर के कोई वो नहीं किया गया था कि हमारी तरफ से सीएम फेस यही रहेंगे, या बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा गया था हमारी तरफ से सीएम फेस ये रहेंगे, इसका फैक्टर भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सीएम फेस को लेकर तो कांग्रेस में झगड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव को अंत में डिप्टी सीएम बनाया गया और जो आंतरिक लड़ाई थी उसको कहीं ना कहीं सुलझाया गया, लेकिन ये भी पर्याप्त माना नहीं जा रहा है, इससे भी कुछ हुआ नहीं, कुछ खास असर नहीं हुआ, जबकि बीजेपी ने सीएम फेस आगे नहीं किया उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए मनीष, आप एक स्ट्रेटजी समझिए बीजेपी की, बीजेपी जिस जाल में कांग्रेस को फंसाना चाहती है वो बहुत तरीके से उस जाल में ले आती है। बीजेपी हमेशा से इस स्ट्रेटजी पे काम करती है कि जो भी इलेक्शन हो वो मोदी वर्सेस राहुल हो जाए, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना रहे, वो भूपेश बघेल वर्सेस रमन सिंह ना रहे, वो शिवराज वर्सेस
कमलनाथ ना रहे, वो मोदी वर्सेस राहुल हो जाए, तो और उस स्ट्रेटजी में बीजेपी बहुत हद तक सफल होती नजर आ रही है। और बीजेपी जो के जो मोदी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जो देश के, वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी आज की डेट में है, जो कभी जमाने में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी इस स्टेटस के है वो लीडर, तो अब उनके उनका विकल्प तो कांग्रेस में दिखता नहीं है। तो इसलिए जो आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि बीजेपी ने जो इस बार भी जो है पेश जो है जानबूझ कर सामने नहीं रखा, चाहे राजस्थान कह लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश कह लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ कह लीजिए, बनना किसको है वो तो उन्हीं के मोदी के भरोसे और अमित शाह के भरोसे ही है। लेकिन उन्होंने चुनाव को जिस तरीके से जो कहना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई ना करके मोदी वर्सेस राहुल कर दिया, उसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं और इसमें उनको फायदा भी मिल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जो वहां पे शिवराज के खिलाफ थी उसको उन्होंने मैनेज कर लिया, जो रमन सिंह के खिलाफ नाराजगी थी 15 साल हुई मुख्यमंत्री है तो उसको मैनेज कर लिया, जो राजस्थान में जो वसुंधरा तेरी खैर नहीं मोदी तुझसे बैर नहीं वाले नारे लगते थे वहां वसुंधरा के खिलाफ नाराजगी को मैनेज कर लिया। उन्होंने ये बता दिया कि हम जो भाजपा है तो मोदी है, मोदी है तो भाजपा है, तो दूसरे राउंड की गिनती जारी है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। रायपुर का ही हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, राजधानी रायपुर में पश्चिम से बीजेपी के राजेश मूणत आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है, उत्तर से बीजेपी पुरंदर मिश्रा आगे जाते दिखाई दे रहे हैं, बढ़त उन्होंने बनाई है शुरुआती रुझानों में, लेकिन देखना होगा क्या होगा। दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़त बनाई हुई है, दूसरे राउंड की गिनती में भी वो आगे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा आगे चल रहे हैं, दूसरे राउंड की गिनती में भी वो आगे हैं। साझा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे आगे चल रहे हैं और ये बड़ी विधानसभा और हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। दुर्ग भी से भी गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब आगे हो चुके हैं, पाटन से सीएम बघेल अब आगे हो चुके हैं, शुरुआती रुझानों में पीछे रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लगभग 43 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कांटों की टक्कर है। राजनांदगांव से रमन सिंह आगे चल रहे हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो मंत्री कबासी लखमा आगे चल रहे हैं, कबासी लखमा शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं और खरसिया से उमेश पटेल 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं।